Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know to learn. आज की क्लास में हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व हो चुका था, तो आज क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे. ओके, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे. ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है कि एन 8 पोल उंड रोटर इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग ऑन 60 हर्ट्ज सप्लाई ड्रिवन एट 1800 आरपीएम बाय अ प्राइम मूवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इज व्हाट. यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 8 एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज. नेक्स्ट स्टेटमेंट इसने कहा है कि रोटर की स्पीड nr इज इक्वल टू 1800 आरपीएम बाय यूजिंग प्राइम मूवर. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था कि किन किन तरीकों से हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं. तो उसमें एक मेथड ये भी था बाय यूजिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर. यहाँ पर इसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को एज अ फ्रीक्वेंसी चेंजर हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वी आर ड्राइविंग दिस मोटर बाय यूजिंग प्राइम मूवर. ओके, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि यहाँ से फाइंड आउट करिए सिंक्रोनस स्पीड. एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, दैट मीन्स इक्वल टू 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 8. जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 900 आरपीएम. यहां से आपको सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू 900 आरपीएम आ चुका है. इसका मतलब है कि दिस इज स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. यही वो स्पीड है जिस स्पीड पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी. तो यहां देखिए, दिस इज थ्री फेज इंडक्शन मोटर जिसको हमने थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट किया है. सपोज मोटर में रोटेटिंग फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज क्लॉक वाइज. दिस इज RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्पीड NS है इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन. तो इस फील्ड की स्पीड क्या है? 900 RPM. क्वेश्चन में ये कहा है कि मोटर को हम ड्राइव करते हैं 1800 RPM से बाय यूजिंग अ प्राइम मूवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि यदि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉक वाइज है तो रोटर का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज रोटर की स्पीड nr इन एंटी क्लॉकवाइज. और क्वेश्चन में कहा है कि ये स्पीड होगी 1800 आरपीएम. तो फिर पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इज व्हाट. रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी स्लिप की. स्लिप इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड. यहाँ आप इस डायग्राम से देख के ये बता सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड कितनी होगी. चूंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 900 आरपीएम से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है और रोटर की स्पीड 1800 आरपीएम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 1800 प्लस 900, इट मीन्स 2700 आरपीएम. ओके, यहाँ से आप स्लिप फाइंड आउट करिए. एस इज इक्वल टू 2700 आरपीएम डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड विच इज 900 आरपीएम. यहाँ से स्लिप की वैल्यू आपको आएगी 3. लेकिन यदि यह नॉर्मल थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करता तो वैसे केस में यदि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो रोटर का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज ही होता है, जिसकी वजह से आप स्लिप की जगह पे लिखते हो ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns. लेकिन यहाँ पे हम प्राइम मूवर की हेल्प से रोटर को रोटेट करा रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो रिलेटिव स्पीड विल बी एडेड टू ईच अदर. सो फाइनली स्लिप की वैल्यू आ गई 3. तो यहाँ से रोटर करंट फ्रिक्वेंसी f2 इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ f1 यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी. यहाँ से आप देखेंगे स्लिप की वैल्यू है 3, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 60 हर्ट्ज. सो वी कैन से दैट
frequency of rotor current is equal to 180 hertz. तो options को देखिए, कौन सा option सही है? Option C is correct. Okay? Next question देखिए, question number 27, ये कहता है कि in the below given torque speed characteristic of an induction motor, stable region is what? यानि कि इस figure में जो torque speed का characteristic given है, और उस पर चार पॉइंट मार्क किए हुए हैं x, y, z एंड w. तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट स्टेबल रीजन में आता है. ओके तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पॉइंट w. ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज इन स्टेबल रीजन, बिकॉज थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाला जो पूरा एरिया होता है, दैट इज स्टेबल रीजन. ओके और यहाँ पर पॉइंट W अवेलेबल है, तो हम इसे मार्क करेंगे. लेकिन यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करिएगा कि ये जो स्टेबल रीजन हमने शो किया है, दिस इज ओनली फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क. यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो लोड टॉर्क है, दैट इज कांस्टेंट, तो वैसे केस में ही हम कहेंगे कि ये रीजन स्टेबल रीजन को शो करता है. लेकिन यदि लोड टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, देन stable and unstable region may be different. Okay, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि which of the following motors is represented by the characteristic curve shown below. यहाँ पर टॉर्क स्पीड का characteristic given है, तो इस characteristic को देख के आप ये कह सकते हो कि this is characteristics of three phase induction motor. चूंकि three phase induction motor asynchronous मोटर होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्योंकि ऑप्शन डी में कहा है दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असिंक्रोनस मोटर. ओके यहाँ इस कर्व को देखने के बाद आप एक पॉइंट को नोटिस करिए कि दिस इज स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और डॉटेड लाइन से इसने शो किया है रेटेड टॉर्क. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेटेड टॉर्क इज मोर देन स्टार्टिंग टॉर्क. यदि इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के टाइम में ही रेटेड टॉर्क लोड को कनेक्ट कर दें, तो ये मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क रेटेड टॉर्क से कम है. तो इसके लिए एडवाइजेबल यही होगा कि पहले आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर लीजिए, और जब इसकी स्पीड कुछ यहाँ तक आ जाएगी, उसके बाद आप इस पे रेटेड टॉर्क लोड को कनेक्ट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है कि इन एन इंडक्शन मोटर इफ द रोटर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, देन द मैक्सिमम टॉर्क इज व्हाट. यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा है रोटर रेसिस्टेंस यानी कि आर टू इज इक्वल टू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, इट मीन्स एक्स टू. दिस इज स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस. यहाँ पर स्टैंड स्टिल कहने का मतलब है कि रोटर की स्पीड होगी जीरो, सो दैट स्लिप विल बी इक्वल टू वन. तो इसलिए आप x2 को लिखोगे 2 पाई f इनटू l2. यहाँ पर सिर्फ f होगा. दिस f इज रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, बिकॉज बोथ आर सेम हियर. दोनों सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्लिप की वैल्यू 1 है, इसलिए रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी f2 इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी. स्लिप इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी f. ओके जैसा कि हम जानते हैं स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क sm इज इक्वल टू r2 डिवाइडेड बाय x2, रोटर का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस. ओके क्वेश्चन में ये कहा है कि r2 और x2 दोनों बराबर हैं, इसलिए स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क विल बी इक्वल टू 1. इसका कहने का मतलब कि जब स्लिप की वैल्यू 1 होगी, तब हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. तो आप यहां से ये कह सकते हो कि स्लिप की वैल्यू 1 तो मोटर की स्टार्टिंग के टाइम पे होता है, तो इसलिए ड्यूरिंग स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम. तो यहां से आप ऑप्शंस को रीड करिए. ऑप्शन बी में कहता है द मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. ये कहता है कि व्हाई इज द एयर गैप बिटवीन द योक एंड आर्मेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कैप्ट स्मॉलर.
जैसा कि हम जानते हैं कि योक और आर्मेचर के बीच में जो एयर गैप होता है उसे हम बहुत ही स्मॉल रखते हैं, क्योंकि एयर गैप कम होने से रिलक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी एंड सो वी विल गेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ से आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए में कहता है कि टू अचीव अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है कि फॉर अ पर्टिकुलर किलो वॉट रेटिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर द केवीएआर रेटिंग ऑफ द शंट कैपेसिटर रिक्वायर्ड इज व्हाट। यहाँ ऑप्शंस में देखिए तो कैपेसिटर के केवीआर रेटिंग को इसने स्पीड से रिलेट किया है, तो हम देखते हैं कि स्पीड का रिलेशन केवीएआर रेटिंग ऑफ कैपेसिटर से कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं लो स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, जिसमें कि रोटर की स्पीड जब कम होगी तो हम कहेंगे कि स्लिप की वैल्यू ज्यादा होगी। नाउ पावर फैक्टर ऑफ रोटर करंट इज इक्वल टू कॉस फाइ, दिस विल बी इक्वल टू आर टू डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ आर टू स्क्वायर प्लस स्लिप टाइम्स ऑफ एक्स टू स्क्वायर। ओके, तो यहां से देखिए जब रोटर की स्पीड कम होगी तो स्लिप की वैल्यू ज्यादा होगी, और जब स्लिप की वैल्यू इसमें ज्यादा होगी तो कॉस फाइ की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि वी गेट लो पावर फैक्टर एट लोअर रेटेड स्पीड। ओके, सो टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर वी नीड अ शंट कैपेसिटर ऑफ मोर केवीआर रेटिंग, मोर केवीआर रेटिंग। ओके, तो यहां से आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन बी में कहता है कि द केवीआर रेटिंग ऑफ शंट कैपेसिटर रिक्वायर्ड इज मोर फॉर लोअर स्पीड मोटर, सो फाइनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि इंडक्शन जनरेटर इज मोर सुटेबल फॉर सप्लाइंग विच टाइप ऑफ लोड। तो यहाँ देखिए कि इंडक्शन जनरेटर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट टेक्स रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सप्लाई। यदि आप इंडक्शन जनरेटर और थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर को कंपेयर करोगे तो इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर यह एक्टिव पावर तो डिलीवर करेगा ही, साथ ही ये रिएक्टिव पावर को भी डिलीवर करता है एट लीडिंग पावर फैक्टर। लेकिन इंडक्शन जनरेटर एक्टिव पावर को डिलीवर करेगा और रिएक्टिव पावर को हमेशा एब्जॉर्ब करता है, डिलीवर नहीं करता है। ओके, जब ये इंडक्शन जनरेटर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इसे रिएक्टिव पावर सप्लाई करे, तो इसलिए हम यहाँ पर कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करते हैं विथ इंडक्शन जनरेटर। ये कैपेसिटर बैंक रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है इंडक्शन जनरेटर को। कोई भी इंडक्टिव टाइप ऑफ लोड यहाँ पे हम कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडक्टिव लोड को रिएक्टिव पावर चाहिए होता है। यदि हम इंडक्टिव लोड को इंडक्शन जनरेटर से कनेक्ट करेंगे तो जनरेटर इसे रिएक्टिव पावर तो सप्लाई नहीं दे पाएगा, और यही वजह है कि हम इंडक्टिव लोड को इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम रेसिस्टिव लोड को कनेक्ट करें, क्योंकि रेसिस्टिव लोड ना तो रिएक्टिव पावर लेता है ना ही ये रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, तो इट इज बेस्ट लोड टू कनेक्ट विथ इंडक्शन जनरेटर। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हम कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटिव लोड रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा, ये तो डिलीवर ही करेगा रिएक्टिव पावर, जो कि इंडक्शन जनरेटर के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो देयर इज वेरी लेस नंबर ऑफ कैपेसिटिव लोड, ना के बराबर ही होते हैं कैपेसिटिव लोड। हमारे पास जो अवेलेबल लोड होता है या तो रेसिस्टिव या फिर इंडक्टिव लोड, तो इसलिए हम फाइनली रेसिस्टिव लोड को मार्क करेंगे, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी को मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है कि जनरली द नो लोड लॉसेस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स इक्विवेलेंट सर्क्यूट डायग्राम बाय अ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर हम लेते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर जिसका हमें नो लोड लॉस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में करना पड़ेगा नो लोड टेस्ट। जब आप नो लोड टेस्ट करते हो
तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा होगा? दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्यूरिंग नो लोड टेस्ट। तो यहाँ से देखिए, दिस इज आर वन, दिस वन इज एक्स वन, दिस इज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड दिस इज आर सी। दिस रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट कोर लॉस ऑफ द मशीन। यहाँ से ये रेसिस्टेंस आर वन देगा स्टेटर का कॉपर लॉस और ये रेसिस्टेंस कोर लॉस। यहाँ से आप एक पॉइंट को नोट करिएगा कि वैल्यू ऑफ आर सी इज मच ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ आर वन। यहाँ आर वन की वैल्यू कम इसलिए रखी जाती है ताकि स्टेटर कॉपर लॉस की वैल्यू कम हो। नाउ यदि हम स्टेटर कॉपर लॉस और रोटेशनल लॉस को नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ से आप कहोगे कि नो लोड लॉस इज इक्वल टू कोर लॉस। तो अब ऑप्शंस को देखिए, नो लोड लॉसेस यानी कि कोर लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन सी में कहता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस विथ अ हाई वैल्यू। जैसा कि आप इस सर्किट डायग्राम में देख चुके हैं कि आर सी एक पैरेलल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हाई होती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड आरपीएम फॉर फोर पोल इंडक्शन मोटर। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले आप सिंक्रोनस स्पीड को फाइंड आउट करिए। ns इज इक्वल टू 120 f/p। जब f की वैल्यू 50 और नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू 4 आप यहाँ पे पुट करोगे तो ns विल बी इक्वल टू 1500 rpm। यहाँ से आपको सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू आ गई 1500 rpm। और जैसा कि हम जानते हैं इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटर की स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, इसलिए हम ये कहेंगे कि nr शुड बी लेस देन 1500 rpm। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, ऑप्शन सी भी सही लग रहा है और फिर ऑप्शन डी भी सही लग रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शंस में रोटर की स्पीड 1500 rpm से कम है। लेकिन इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये है कि कोई भी मशीन जो हम डिजाइन करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसका आउटपुट पावर ज्यादा हो, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो डेवलप्ड आउटपुट पावर होता है पी नॉट, दैट विल बी इक्वल टू 1 - s × pg। ये है डेवलप्ड आउटपुट पावर इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और हम ये चाहेंगे कि इसका आउटपुट पावर ज़्यादा हो। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आउटपुट पावर ज़्यादा होने के लिए इसकी जो स्लिप की वैल्यू है दैट शुड बी लो, और जब स्लिप की वैल्यू कम होगी तो इसलिए रोटर की स्पीड शुड बी हाई, दिस स्पीड शुड बी वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड। यानी कि हम मोर स्पीड वाले इंडक्शन मोटर को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सी है, 1485 rpm, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ये कहता है कि फुल लोड करंट फॉर थ्री फेज 440 वोल्ट 20 हॉर्स पावर इंडक्शन मोटर विल बी क्लोज टू व्हाट। यहाँ इस क्वेश्चन में आप ऐड करेंगे कि इफ पावर फैक्टर ऑफ दिस इंडक्शन मोटर विल बी इक्वल टू 0.8 लैगिंग। क्वेश्चन में मिसप्रिंट होने के कारण यहाँ पे हमने पावर फैक्टर की वैल्यू ऐड किया है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 440 वोल्ट, थ्री फेज पावर जो कि गिवन है 20 हॉर्स पावर दैट विल बी इक्वल टू 20 × 746 वॉट, यानी कि 14,920 वॉट। जैसा कि हम जानते हैं कि थ्री फेज पावर विल बी इक्वल टू √3 × VL × IL × cos φ। तो यहां से आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू थ्री फेज पावर डिवाइडेड बाय √3 × लाइन वोल्टेज × cos φ। यहां पे आप वैल्यू पुट करिए 14,920 / √3 × 440 V × power factor की वैल्यू 0.8 लैगिंग। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 24.5 एम्पियर। तो यहाँ से आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी में 25 एम्पियर है विच इज वेरी क्लोज टू द
आंसर. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 36, ये कहता है कि इंडक्शन जनरेटर वर्क्स बिटवीन द स्लिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहां से आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए कि इन केस ऑफ इंडक्शन जनरेटर स्लिप की वैल्यू नेगेटिव होती है. ओके, सो यहां से आप ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, एस इज लेस देन 0.0. यहां पे हम ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों को देखते हैं. ऑप्शन ए में कहता है स्लिप की वैल्यू इज बिटवीन 1 and 2, तो दिस रिप्रेजेंट्स ब्रेकिंग मोड. और ऑप्शन बी में कहता है कि स्लिप की वैल्यू 0.1 और 1 के बीच में है, तो दिस रिप्रेजेंट्स मोटरिंग मोड. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 37, ये कहता है कि द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड कंडीशन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि जब हमारा 3-phase इंडक्शन मोटर फुल लोड पर रन कर रहा हो, उस टाइम पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी. तो यहां से आप एक पॉइंट नोट करिएगा कि स्लिप अंडर फुल लोड इज नियर अबाउट 2% to 8%, 2% से लेके 8% तक स्लिप की वैल्यू हो सकती है. यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अवेलेबल, ऑप्शन बी में कहता है 0.03, यानी कि दिस इज 3%, तो हम इसे मार्क करेंगे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बाकी ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन ए कहता है 10%, ऑप्शन सी कहता है 20%, ऑप्शन डी कहता है 80%. ये तीनों ऑप्शंस तो इस लिमिट से बाहर है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 38, ये कहता है कि द रोटर इनपुट व्हेन रोटर कॉपर लॉस इन एन इंडक्शन मोटर इज 600 वॉट एंड स्लिप इज 3%. कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन में रोटर कॉपर लॉस गिवेन है विच इज इक्वल टू 600 वॉट और स्लिप की वैल्यू गिवेन है 3%, इट मीन्स 0.03. तो यहां से हमें पूछा है कि आप रोटर इनपुट की वैल्यू बताइए. यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि दिस इज रोटर इनपुट, इसे आप मोटर इनपुट नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि रोटर इनपुट और मोटर इनपुट बोथ आर डिफरेंट. ओके, रोटर इनपुट इज नथिंग बट एयर गैप पावर PG एंड मोटर इनपुट इज 3-phase सप्लाई पावर गिवेन टू मोटर. तो यहां से आपको रोटर इनपुट फाइंड आउट करना है, यानी कि PG की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि हमें रोटर का कॉपर लॉस गिवन है 600 वॉट. तो एज वी नो रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ PG. यहां पर स्लिप की वैल्यू भी गिवन है 0.03, तो यहां से आप PG की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. PG इज इक्वल टू 600 वॉट डिवाइडेड बाय स्लिप, यानी कि 0.03. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 20 kW. दिस 20 kW इज रोटर इनपुट, या फिर आप इसे कहेंगे एयर गैप पावर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 39, ये कहता है कि द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर वेरीज एज वॉट. तो यहाँ से ड्यूरिंग स्टार्टिंग जो डेवलप्ड टॉर्क होता है इन 3-phase इंडक्शन मोटर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर. तो यहाँ से आप ऑप्शन ए को मार्क करेंगे. ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 40, ये कहता है कि इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द मैकेनिकल पावर डेवलप इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर PG इज वॉट. यानी कि ये मैकेनिकल आउटपुट पावर डेवलप्ड के बारे में पूछा है. तो मैकेनिकल आउटपुट पावर डेवलप P0 विल बी इक्वल टू एयर गैप पावर माइनस रोटर कॉपर लॉस. एयर गैप पावर होता है PG माइनस रोटर कॉपर लॉस होता है S टाइम्स ऑफ PG. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो मैकेनिकल आउटपुट पावर डेवलप विल बी इक्वल टू PG माइनस S PG, इट मीन्स 1 S टाइम्स ऑफ PG. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 41, ये कहता है कि अ सेंटर जीरो अमीटर कनेक्टेड इन द रोटर सर्क्यूट ऑफ अ 6-pole 50-hertz इंडक्शन मोटर मेक्स 30 oscillations in 1 minute, देन रोटर स्पीड इज वॉट.
यानी कि इस क्वेश्चन में कहता है कि 6 पोल 50 हर्ट्ज का एक इंडक्शन मोटर जिसके रोटर सर्किट में हम एक आमीटर को कनेक्ट करते हैं विच इज सेंटर जीरो आमीटर और ये आमीटर 30 ऑसिलेशंस करता है इन 1 मिनट, तो आप बताइए कि रोटर की स्पीड क्या होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा कि सेंटर जीरो आमीटर को हम यूज करते हैं रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए और साथ ही हम इससे रोटर की स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेंटर जीरो आमीटर के बारे में जानिए कि दिस इज सेंटर जीरो आमीटर जिसकी जीरो वैल्यू आमीटर के सेंटर में होगी। यदि इस सेंटर जीरो आमीटर को किसी डीसी सर्किट में आप लगाएंगे तो डीसी सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी ये पॉइंटर उस वैल्यू तक जाके स्टॉप हो जाएगा, जिससे हम इसकी रीडिंग से ये पता लगा सकते हैं कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन इसी सेंटर जीरो आमीटर को किसी हाई फ्रिक्वेंसी एसी सर्किट में यदि हम इसे कनेक्ट करें तो यहाँ से आप देखोगे कि जो इसका पॉइंटर है वो अपने इनिशियल पोजिशन पर ही यानी कि सेंटर पर ही वाइब्रेट कर रहा हो, यानी कि हाफ टाइम पीरियड के लिए टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा और फिर हाफ टाइम पीरियड के लिए टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से ये पॉइंटर जीरो पोजिशन पर ही वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यदि एसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी लो हो तो वैसे केस में जो इस पॉइंटर पे टॉर्क लगेगा वो हाफ टाइम पीरियड के लिए इस डायरेक्शन में और फिर हाफ टाइम पीरियड के लिए इस डायरेक्शन में। फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ से इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पॉइंटर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ से हम इस ऑसिलेशंस को काउंट भी कर सकते हैं। वन ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर ऑफ दिस आमीटर विल बी इक्वल टू 1 साइकिल ऑफ रोटर करंट। ओके, रोटर करंट के 1 साइकिल के कारण इस आमीटर में एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। नाउ इस क्वेश्चन में कहता है कि ये आमीटर 1 मिनट में 30 ऑसिलेशंस करता है, तो यहाँ से आप कहोगे कि 30 ऑसिलेशंस इसका मतलब है कि रोटर करंट में 30 साइकिल बनेंगे इन 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स में। तो चूंकि 60 सेकेंड्स में ये 30 साइकिल कंप्लीट करता है इसलिए 1 सेकेंड में 30 / 60 दैट मीन्स 0.5 साइकल्स और यही तो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी है F2 दैट विल बी इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। सेंटर जीरो आमीटर की हेल्प से हम रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड रोटर स्पीड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्लिप फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लिप फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, F2 इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आपको F2 गिवन है विच इज 0.5 हर्ट्ज, यहाँ से F1 गिवन है 50 हर्ट्ज। तो आप कह सकते हैं कि स्लिप की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.5 / 50 दैट मीन्स 1/100। तो अब यहाँ से आप रोटर की स्पीड इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 - s टाइम्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। जब आप इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो 1 - 1/100 मल्टीप्लीकेशन विद सिंक्रोनस स्पीड की जगह पे लिखोगे 120 f/p, नंबर ऑफ पोल्स गिवन है 6। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 990 rpm। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी में देखिए, ये कहता है रोटर स्पीड इज 990 rpm, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। ये कहता है कि इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे गिवन है कि R2 इज रोटर रेसिस्टेंस एंड X2 इज रोटर रिएक्टेंस। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क स्लिप की किस वैल्यू पे मिलती है, Sm इज इक्वल टू R2 / X2। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। स्टार्टिंग टॉर्क के लिए S will be equal to 1. यदि स्टार्टिंग के टाइम पर ही मैक्सिमम टॉर्क मिले तो स्लिप Sm की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इट मीन्स R2 / X2 इज इक्वल टू 1, सो R2 इज इक्वल टू X2। दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग।
ओके, तो यहां से आप ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है कि फोर पोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 4% स्लिप एट फुल लोड। इफ द स्पीड ऑफ द मोटर इज 750 RPM, देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज व्हाट। यानी कि इस क्वेश्चन में स्लिप की वैल्यू गिवन है 4%, 0.04, रोटर की स्पीड गिवन है 750 RPM, जबकि आप जानते हैं NR इज इक्वल टू 1 - S टाइम्स ऑफ NS। तो यहां से आप NS फाइंड आउट करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड विच इज इक्वल टू रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय 1 - स्लिप। जब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 1 - 0.04। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर आएगा 781 RPM। दिस इज वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी बताइए। तो एज वी नो सिंक्रोनस स्पीड विल बी 120 f/p। यहां से आप कहेंगे कि f इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड 781 मल्टीप्लीकेशन विथ नंबर ऑफ पोल्स विच इज 4 डिवाइडेड बाय 120। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 26 Hz। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी को देखिए, दिस इज नियर अबाउट द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 ये कहता है कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर द मशीन मे रिफ्यूज टू स्टार्ट एट ऑल। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज व्हाट। तो आप ऑप्शन बी को मार्क करेंगे क्योंकि ये कहलाता है कॉगिंग। ओके, यहां से आप दो पॉइंट को नोट करिएगा कि कॉगिंग के केस में मोटर स्टार्ट नहीं हो पाता है, बट इन केस ऑफ क्रॉलिंग मोटर स्टार्ट्स बट रन्स एट लोअर स्पीड नियर अबाउट NS/7। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इसमें कहता है कि इन स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग वोल्टेज इज रिड्यूस टू व्हाट। यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड यूज करते हैं तो उस टाइम पे स्टार्टिंग वोल्टेज रिड्यूस होके कितना हो जाता है। तो यहां से आप देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, इसमें डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर को हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब इसका कनेक्शन डेल्टा था उस टाइम यदि इसका फेज वोल्टेज वी हो तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग जब हम इसे स्टार में कन्वर्ट किए हैं तो इसका जो फेज वोल्टेज होगा दैट विल बी V/√3। सो यहां से हम कह सकते हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग द वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू 1/√3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वोल्टेजेस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यहां पर एक और पॉइंट आप नोट करिएगा कि इन केस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टिंग वोल्टेज तो 1/√3 टाइम्स हो गया, लेकिन जो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होगा वो 1/3 टाइम्स हो जाएगा, और फिर जो इसका स्टार्टिंग करंट होगा वो भी 1/3 टाइम्स हो जाएगा, ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में हमें ये बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।